से नशिस्त के अंदर हम ये बयान करेंगे, मसला समझाने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी का आया सारा गोश्त पास रख सकते हैं या तकसीम करना भी होता है। तो याद रखें दोनों सूरतें जायज़ हैं, चाहे कुर्बानी करके सारा गोश्त अपने पास रख लें और चाहे जो है वो उसके तीन हिस्से कर लें। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा को हुक्म दिया ना हिजरत के बाद, तो वो तंगी का ज़माना था। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि गोश्त खाओ और तकसीम करो। लेकिन जब तंगी का साल ख़त्म हुआ, जैसा कि हदीस मुबारक का मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन दहा, के सहाबा को हुक्म दिया कुर्बानी करो खाओ और उसका गोश्त जब तीसरे रोज तक जमा ना करो, इसलिए कि वो तंगी का साल था। लेकिन जब खुशहाली का साल आया, सहाबा अगले साल नबी पाक की बारगाह में गए, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या हुक्म है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कुलु वातिमु वद्दाखिलु फैन ज़ालिकल आम कान बिन्नासी जहदुन फारतु अन तुईनु फीहा। अब फरमाया खाओ भी और खिलाओ भी और जमा भी करो, इसलिए कि मैंने तुम्हें उस साल इसलिए हुक्म दिया था कि वो तंगी का साल था। लेकिन अब मैंने उस साल चाहा था कि तुम दूसरों की मदद करो, लेकिन अब खुशहाली आ गई है, अब खाओ खिलाओ और जमा करो। और बेहतर यह कि गोश्त के तीन हिस्से किए जाए, एक फुकारा के लिए, एक दो सवाब के लिए और एक अपने के लिए। और कुल अगर सारे का सारा अपने घर के लिए रख लिया तो ये भी जायज़ है, इसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। जो कहते हैं ना वो सारा गोजी करके उसने अपने पास रख लिया, गरीबों को दिया नहीं, भाई मोहल्ले के अंदर उसने देखा तकसीम कर दिया, बाकी अगर उसने अपने पास रख लिया तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, वो गुनाहगार नहीं है, ऐसा करना बिल्कुल जायज़ है। अगर उसके घर वाले ज्यादा हैं और उसका नहीं जो है वो फायदा होता तो फिर वो सारे का सारा गोश्त अगर रख भी लेते तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी अगर रख ले इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। ये बात याद रखें कि अगर किसी ने दो कुर्बानियाँ की, एक बड़ी की एक छोटी की, वो बड़ी तकसीम करता है छोटी अपने के लिए, तो इसके अंदर भी उसको गुनाहगार ना कहें, उसको कोई जो है बात ना करें, ये बिल्कुल जायज़ है। और ये बात याद रखनी चाहिए कि कुर्बानी करते वक्त हमें मोहल्ले के गरीबों मस्कीनों यतीमों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो भूखे रह गए तो कल क़यामत के दिन हमसे सवाल हो सकता है, हमें कुर्बानी के मतलब पूछा जा सकता है, कुर्बानी की तो मेरा गरीब मेरा मस्कीन मेरा यतीम भूखा रहा तो उन्हें क्या किया? इसलिए दोनों सूरतें जायज़ हैं, चाहे तीन हिस्से कर लें चाहे सारे का सारा अपने पास रख लें, इसलिए फरीज करने के अंदर कोई कबाहत नहीं है।